जी हम लोग लगातार 29 तारीख से ही बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई कुछ भी निर्णय तय नहीं हुआ है, कुछ भी हमारे सरकार के प्रतिनिधि तरफ से नहीं आए हैं। लेकिन आज हमारे जिला शिक्षा अधीक्षक के द्वारा जब ये घटना हुई तो बोला जा रहा है कि 5 बजे तक आपकी कमेटी से बात होगी, लेकिन अब उस कमेटी में क्या बातें होगी ये तो हमें नहीं पता है। अगर हमारी उनके साथ में अधिकारियों के साथ में हमारी अगर सफल बातें अगर होती है तो हम लोग यहाँ से धरना हटाएंगे, लेकिन अगर हमारे जिस यहाँ पर मांग को लेकर के बैठे हैं अगर वो मांग को लेकर के अगर सफल बात नहीं होगी तो हम लोग यहाँ लगातार अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन चलाएंगे, और जब तक मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग यहाँ से हिलेंगे नहीं। चाहे इसके लिए अगर हमें हमारी प्राण भी जाएगी तो भी हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे, अपना अधिकार लेकर के ही जाएंगे, क्योंकि हम लोग बहुत दिनों से चले जा रहे हैं। 18 साल कोई मायने है? अगर कहा जाता है कि सरकारी छत के नीचे अगर 365 दिन काम कर लिया जाए तो वो सरकारी अधिकारी का दर्जा उसको मिलना चाहिए, लेकिन हम 18 साल से काम कर रहे हैं, अभी तक हमें अस्थायी नहीं किया गया है और ना ही न्यूनतम वेतन से जोड़ा जा रहा है। ये बहुत ही अफसोस की बात है और सरकार को शर्म होनी चाहिए। इसलिए हम मांग कर रहे हैं कि जो मांगे जो है वो जायज मांगे हैं, जायज मांगे जल्द से जल्द सरकार दे। हम उनके घर के बहू बेटी के समान हैं, क्या वो अपने घर के बहू बेटियों को इस तरह से रोड में बैठाने में क्या उनको अच्छे लग रहे? क्या जब हमारी मृत्यु हो जाएगी तब ये सरकार सुनेगी? सरकार जल्द से जल्द सुने। अगर हमारी मांग को अगर ये पूरा नहीं करेंगे तो हम लोग यहाँ पर तरह तरह का आंदोलन करेंगे, और हो सकता है कि हम लोग पूरी राजधानी का भी चक्का जाम करने का निर्णय लेंगे।